guess. हमारी बचपन की दोस्त है यार, सो एक दूसरे को ऐसे प्रोग्रेस करते हुए देखना अच्छा ही लगता है हमेशा, चाहे वो जो भी हो. एंड गाना अमेजिंग है मेरे. एक्चुअली पापा, मैंने सब लोगों ने साथ में बैठ के देखा था. सो आई रिमेम्बर माई डैड एक्चुअली टेक्स्टेड आशिका खुद से, एंड ही वॉज लाइक कि आपने बहुत अच्छा यू नो एक्ट किया है, एंड शी इज़ लिटरली मेड मी एंड माई फैमिली क्राई, विच इज़ अ गुड थिंग. सो कंग्रेचुलेशन आशिका एंड द होल टीम. इससे पहले हमें एक्चुअली पता नहीं था, इट वॉज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस, जैसे आप सभी के लिए सरप्राइज था. एंड आई थिंक आशिका अच्छी एक्टर है यार, अगर आप उसके वीडियोस भी देखते थे टिकटॉक्स पे, आई थिंक शी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव, दैट्स ट्रू. सो आई थिंक वी डोंट नीड टू गिव हर एनी टिप्स. आल्सो जैसे आपने गाना देखा होगा, केमिस्ट्री कैसी लगी विशाल और आशिका की? वो तो पहले से काफ़ी अच्छे वो एक्चुअली थे, वो वेरी रोलिंग कर आई है वीडियो में. एग्जैक्टली. तीसरी लड़की भी अगर आप लोगों ने देखा होगा, ब्रेकअप सॉन्ग है ये, थोड़ा सा नहीं बारे में आप लोगों को लेकर, मतलब आपकी क्या राय है? आई थिंक सब अपने रिस्पेक्टिव रोल्स में बहुत उभर के आए हैं. यस, आई एम जस्ट रियली हैप्पी दैट द सॉन्ग मेड सच अ ह्यूज सक्सेस, और अभी भी और भी काफ़ी 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 माइलस्टोन्स टू गो. We will soon talk about it once the time is right and the project is nearer, and definitely we are up to something that you guys will know soon. Also 2021 के लिए, I don't think resolution बनाने के लिए न्यू ईयर होना ज़रूरी है, वो आप अपनी ज़िंदगी में कभी बना सकते हैं. एंड स्पेशली हम दोनों ऐसे ही इंसान हैं कि हम जब भी मिलते हैं हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को कुछ अच्छा सिखा सकें, मोटिवेट कर सकें, यू नो एक दूसरे को समझा सकें कि हमने शायद क्या गलत किया क्या नहीं, और मोटिवेट करें. सो वी आर ऑलवेज अप फॉर सच गुड थिंग्स एंड पॉजिटिव थाट्स. सो या हमारा ऐसा कोई माइंड सेट नहीं रहता. अच्छा, मैं 2021 के लिए रेजोल्यूशन, नथिंग एज सच, बट आई जस्ट वांट टू बी अ बेटर पर्सन ईच डे. आई फील लाइक दैट्स समथिंग दैट आई फॉलो, एंड वी बोथ फॉलो. या दैट्स आवर एवरीडे थॉट. सो या वी ट्राई टू स्टिक टू इट, और जब भी हम अगर थोड़े भटक जाते तो एक दूसरे को समझा देते. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. चलो भाई, वो बेटर रहेगा. राम जी एक बार आ जाना, एक बार आ जाना, फटाफट खत्म करते हैं. पार्टी खत्म हो जाएगी, मुझे लग रहा है यहीं से जाना पड़ेगा. क्या कहना चाहेंगे विशाल का और आशिका का?
विशाल एंड आशिका दोनों मुझे बड़े क्यूट लगते हैं और ये दोनों साथ में आए हैं तो क्यूटनेस भी डबल हो गई है. एंड राम जी सर, हम सबको पता है कि राम जी सर हमेशा अपने गाने में 101% लगाते हैं और हमेशा वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ सॉन्ग बनाते हैं, जिसका रिजल्ट हमें दिखने को मिलता है. गाने को इतना प्रेज होता है और इतना यू नो बड़े लेवल पर वो शूट करते हैं, लॉन्च करते हैं. सो आई थिंक राम जी सर इज़ द बेस्ट. केमिस्ट्री कैसे लगी आशिका? मैंने बताया था कि दोनों बड़े क्यूट हैं और जब दोनों साथ में आते हैं तो क्यूटनेस भी डबल हो जाती है, तो ये दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं. और कैसी बॉन्डिंग है आपकी और? अभी तो मैं इनके घर पे पानी पूरी खा के पानी कैसी बॉन्डिंग हुई थी, अभी कैसी बॉन्डिंग हो रही है, फैमिली वाली बॉन्डिंग है. पानी पूरी वर्ल्ड फेमस है, मतलब यू कांट बीट द पानी पूरी फॉर श्योर. वो तो फिर प्लान करना पड़ेगा, एक ठेलिया लगाना पड़ेगा पानी पूरी की, एक हॉल बुक करना पड़ेगा प्रॉपर. नहीं, मैं लोकन वाला में खोलने वाली थी. साइड इनकम करेंगे आंटी. यस, बॉर्न ब्रोस हमारे लिए एक नया वेंचर था और धीमे धीमे हम ग्रो कर रहे हैं, धीमे धीमे हम सीखते सीखते ग्रो कर रहे हैं. एंड हसदी रिहाकर को बहुत सारा प्यार मिला. बहुत ही एंड थैंक यू सो मच सर. एंड यस, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया कि हम हमेशा कुछ ना कुछ बेटर और कुछ ना कुछ अच्छा लेके आएंगे अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट से, तो इस बार भी अब जो आएगा वो इससे बेटर होगा. थैंक यू.